नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जो मैं बनाऊंगी चने के दाल के साथ पालक। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि मैं चने के दाल के साथ पालक कैसे बनाती हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पालक को अच्छे से धो के रखा है। एक टमाटर मैंने अच्छे से कट कर लिया है। कुछ हरी मिर्च मैंने यहाँ पर कट करके रखा है। एक बड़े साइज के प्याज को मैंने कट किया है और 5 से 6 लहसुन कट किया है और 1/2 इंच अदरक कट कर लिया है। और मैंने पालक को फिर अच्छे से चॉप कर लिया है। बहुत ही बारीक नहीं और ना ही बहुत बड़े साइज में, मीडियम साइज में मैंने यहाँ पर पालक को कट किया हुआ है। फिर मैंने कढ़ाई में यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। कम से कम 5 से 6 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है और 1 सूखी मिर्च और 1 चम्मच जीरा। इसे हमें थोड़ा सा ही भूनना है, थोड़ा सा, जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम जो प्याज हमने कट करके रखा है उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए ये जो है थोड़ा सा भुन चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा ही, जस्ट थोड़ा सा ही सौते करेंगे। फिर उसमें हम अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा हमने सौते किया है और हमने अब अदरक और लहसुन दोनों ही इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे हम। देखिए इस तरीके से आपको चलाते रहना है जिससे कि ये जल ना जाए, और इसे हमें हाई फ्लेम में कुक करना होगा। इसी तरीके से आप चलाते जाइए। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हमें और 1-2 मिनट के लिए चलाना है, जिससे कि जब तक कि टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को, 1 हरी मिर्च के मैंने यहाँ पर लंबे करके 4 पीसेस किए हैं। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून हींग ऐड किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ा भून लूँगी। जब तक ये टमाटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनते रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं जो पालक मैंने जो कट करके रखा है, पालक को मैं ऐड कर दूँगी। इस कुकिंग को आपको हाई फ्लेम में करना होगा, इसलिए क्योंकि ये जो पालक है बिल्कुल कुक करते करते एकदम ड्राई कर देना है इसको। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए पालक में, क्योंकि ये पालक खुद पानी छोड़ेगा। इसीलिए हमें इसे हाई फ्लेम में कुक करना होता है। लो फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा और ना ही इसको ढकिएगा। इसको कंटिन्यू इसी तरीके से हमें चलाते रहना है और इसे ड्राई, एकदम ड्राई हो जाएगा जब पालक, उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अभी बिल्कुल दाल ऐड नहीं करेंगे, अभी इसी तरीके से हमें पालक को अच्छे से चलाते रहना है और इसे सॉफ्ट कर लेना है एकदम। देखिए यहाँ पर मैंने जो दाल को है रात को ही भिगो के रखा हुआ है, ये चने का दाल है जो मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था, जिससे कि दाल जो है सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद मैंने सुबह इसको कुक कर लिया है एक कढ़ाई में। देखिए मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया, ना ज़्यादा गला है और ना ही ये कच्चा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कुक हुआ है। आप प्रेशर कुकर में मत कीजिएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में हमको पता नहीं होता है कि दाल जो है वो गल रहा है या फिर ये कच्चा है अभी तक। इसीलिए हमें प्रेशर कुकर में बिल्कुल दाल को नहीं करना चाहिए, हमें इसी तरीके से कढ़ाई में करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पालक जो है यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। मसाला बहुत ज़्यादा मैंने कुछ यहाँ पर नहीं दिया है, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। देखें फिर हमको इसको फ्राई करना होगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही हल्का है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसाले नहीं है। बहुत ही प्लेन एक रेसिपी है और लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो इसी तरीके से हमें फ्राई करते करते बिल्कुल ड्राई कर लेना है पालक को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो मेरी कब आने वाली है।
तो इसमें मैंने अब एक चम्मच जो है शुगर ऐड किया है। थोड़ा सा मिठास इस दाल में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अलग तरीके का ये फ्लेवर लाता है, तो हम इसलिए इसमें थोड़ा सा चीनी जो है मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप इसको ऐड नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा चीनी आप इसमें ऐड कीजिएगा, देखिएगा दाल में एक अलग सा ही टेस्ट आ गया है। अब इसे देखिए, पालक जो है थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, और भी इसको और थोड़ा सा हमको चलाना है और थोड़ा सा कुक करना है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छे से ये ड्राई हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जो पालक जो है और भी ज़्यादा ड्राई हो गया है। ये हमारा जो पालक है वो पक चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें दाल जो है हमने जो यहाँ पर कुक करके रखा है दाल को, वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए दाल को मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इन मसालों के साथ, पालक के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर देंगे। देखिए इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद इसे मैं अब हाफ कप जो है इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। हाफ कप पानी ऐड करके अब हमको एकदम फ्लेम को बिल्कुल लो करके अब हमें ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरीके से बंद कर देना है, ढक के रखना है। देखिए 7 से 8 मिनट के लिए मैं ढक के बंद करके रखूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर दाल जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।